बीजेपी की जीत के बाद बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश के अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई, शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम की ये बैठक है। जीत के बाद सीएम योगी से मिलने पहुंचे अनुप्रिया पटेल, तो ये बड़ी खबर। शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं कैबिनेट की बैठक, और आपको बता दें ये बैठक खास होगी क्योंकि यहाँ पर पार्टी की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो जीत के बाद सीएम योगी से मिलने के लिए अनुप्रिया पटेल पहुंची, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि इस महाजीत को लेकर अब आगे पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर अब बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ सीएम की आज बैठक है, शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर सकते हैं कैबिनेट की। और आपको बता दें कि कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम ये बैठक बुला सकते हैं। कई मायनों में ये बैठक खास है क्योंकि जीत के बाद आगे क्या कुछ पार्टी की रणनीति होगी इसको लेकर यहाँ पर ब्लूप्रिंट रेडी किया जाएगा। तो यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, एक बार फिर से बीजेपी पर लोगों ने तो हमारे साथ सहयोगी रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? शुरू होने वाला नहीं है, शुरू हो चुका है। दिन में अधिकारियों की सुबह में मॉर्निंग में मीटिंग हुई थी, शाम को कैबिनेट की बैठक होगी। और देखिए लाइव तस्वीर हमारे साथ सुब्रत पाठक, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को पटकनी दिया, उस बैठक पर भी हम चर्चा करेंगे। कन्नौज का क्या हाल रहा? कन्नौज इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन वो तो माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अलग की बात है कि आपने डिंपल यादव को पटकनी दिया और कन्नौज को लेके वो दावे भी वो लोग करते हैं। नहीं, कोई गढ़ नहीं, एक उनका भ्रम था। और 2014 में वहाँ पर कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा का चुनाव वो डिंपल जी को जिताया था, 12 में किस प्रकार से उनको निर्विरोध किसी को परचाई नहीं डालने दिया था, गुंडागर्दी करके उनको निर्विरोध सांसद बनवाया था, और 14 में ही वो गढ़ खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी दो वहाँ से विधायक जीती, और फिर उसके बाद में 2019 में लोकसभा वहाँ से जीती, और उसके बाद पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, सारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के। समाजवादी पार्टी के पास न तो कोई नगर पालिका है, न कोई नगर पंचायत है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, 80% प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के। फिर कहा का समाजवादी पार्टी यादव का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि हम हरा सकते हैं। उन्होंने वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए कहा कि देखिए वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा हुआ है। वो पिछले पूरे 5 साल सपने में सरकार बनाते देखते रहे, अब पूरे 5 साल भाजपा को हराते हुए देखते रहे। जी सुब्रत पाठक थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव हराए थे। और रही बात की आगे की, हम बात करें कि जो बैठक होने वाली है उस बैठक में कैबिनेट की बैठक होगी, अंतिम बैठक होगी, तमाम जो योगी सरकार 2017 की सरकार में जो जो कैबिनेट मंत्री थे उनको बुलाया गया है, लेकिन बड़ी बात है कि जो सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो सारे लोग बैठक में रहेंगे। इसको एक कैबिनेट की भी बैठक होगी और शिष्टाचार भी बैठक होगी, और आगे की जो भी अपडेट होगा हम लगातार यहाँ से देते रहेंगे। बिल्कुल रजनीश, ऐसे में जिस तरीके से शाम को एक अहम बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ पार्टी की आगे की रणनीति होगी? तो आपको बता दें कि शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, और कई मायनों में ये जो बैठक है ये भी खास मानी जा रही है, और ऐसे में पार्टी के आगे क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर भी चर्चा की जाएंगी। तो यहाँ पर बैठकें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जनता ने जो है कमल खिलाया है, बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया है, और ऐसे में अब एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी सत्ता में वापसी की है, और अब जो बैठकों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, और ऐसे में आगे पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिल सकते हैं इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बैठकों का दौर जारी हो चुका है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को एक कैबिनेट की बैठक बुलाने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो बैठक होगी वो खास होगी, कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक करते हुए नजर आएंगे, और इस दरमियान तमाम आला अधिकारी भी मौजूद होंगे, कई मसलों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि जीत के बाद सीएम आवास से पहुंची अनुप्रिया पटेल, उन्होंने जीत की बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को।
तो प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ सीएम की एक अहम बैठक शाम को, और यूपी में बीजेपी की जीत के बाद लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा था 10 तारीख को ही हम होली खेलेंगे, और 10 तारीख से होली की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। सीएम आवास पर अनुप्रिया पटेल भी पहुंची, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी।